तो अगर आपने रिसेंटली आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, या इवन आईफोन 15 है या 15 प्रो है, तो भी ये सेटिंग्स एक हद तक आपके काम आ जाएंगी। तो ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज मैंने पूरा ए टू जेड इसकी कैमरा सेटिंग्स इस वीडियो में कवर की हैं, सो दैट आपको हेल्प हो सके कि इसमें कैसे आपको बेटर फोटोज एंड वीडियोज कैप्चर करनी है। तो आईफोन की सारी सेटिंग्स मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखा देता हूँ, अभी आप ये सेटअप देख सकते हो। तो जैसे ही कैमरा ऐप ओपन होता है, ये यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे पहले नंबर ऑफ कैमराज की बात कर लेते हैं, क्या क्या कैमराज के ऑप्शन मिलते हैं। तो बाई डिफॉल्ट 1x भी ओपन होगा, जो इसका मेन कैमरा है। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड है 0.5x, जो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी वाइड एंगल कवर कर रहा है 0.5x पे जाके। देन 2x पे भी आप स्विच कर सकते हो, और लास्ट ऑप्शन आपको 5x का मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल 5x का जो टेलीफोटो लेंस है वो आपको मिलता है। बाकी अगर बात करें कि पिंच करके हम कितना जूम कर सकते हैं, तो इस तरीके से ऑल द वे अप टू 25x आप फोटो में जूम कर सकते हो। ठीक है, वापस 1x पे चलते हैं। अब इसके अलावा जो फोटो मोड में आपको फीचर मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए ड्रॉप डाउन आप एरो पे क्लिक करोगे, सबसे पहले फ्लैश है। अब फ्लैश में तीन ऑप्शन हैं, ऑफ, ऑन एंड ऑटोमेटिक। इसको नॉर्मली आप ऑफ रख लेना, अगर आप ऐसे सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहाँ लाइट थोड़ी कम भी हो सकती है, तो आप उसको ऑन पे कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नाइट मोड का। अब नाइट मोड में यहाँ पे आपको अगर स्लाइड करोगे, एक तरफ है ऑफ, उसके बाद आप अगर स्लाइड करोगे तो आपको मैक्सिमम 1 सेकेंड मिलता है। अगर आप सेंटर में रख दोगे तो ये ऑटोमेटिक पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, नाइट मोड में या लो लाइट में जब आप फोटो शूट कर रहे हो, आपको लग रहा है फ़ोन उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं कर पा रहा, तो आप इस मोड को सेलेक्ट करके मैक्सिमम 1 सेकेंड पे डाल सकते हो। अब ये अभी 1 सेकेंड दिखा रहा है इस लाइटिंग के हिसाब से, अगर लाइट थोड़ी कम होगी तो ये 2 या 3 सेकेंड पे भी चले जाता है, डिपेंडिंग की अवेलेबल लाइट कितनी है। तो इस मोड को आप नॉर्मली ऑफ पे रख सकते हो, या ऑटोमेटिक इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, ताकि फ़ोन उस हिसाब से स्विच कर लेगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है लाइव मोड। अब लाइव मोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो लाइव मोड में मैं आपको एक बार ये सब्जेक्ट पे टैप करके एक फ़ोटो लेके दिखा देता हूँ। अब फोटो लेने के बाद जब हम गैलरी में जाएंगे, और यहाँ पे मैं लाइव में ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे इन टोटल आपको 5 ऑप्शंस दिखेंगे, उसके बाद पोर्ट्रेट ऑन एंड ऑफ है। अब लाइव में क्या होता है, जब आप लाइव ऑन रखते हो, आपको एक तो लूप का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो लूप में क्या होगा, जो मैंने ये फोटो क्लिक करी है उसका 1 सेकेंड जो थोड़ा इधर उधर होगा वो कैप्चर कर लेगा। उसके अलावा आपको और बाउंस का ऑप्शन मिलता है। लॉन्ग एक्सपोजर बहुत यूज़फुल है, स्पेशली जैसे अभी तो चीज़ें स्टिल हैं, मान लेते हैं कहीं पानी चल रहा है, कहीं लोग चल रहे हैं, तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा दूंगा जो आप लॉन्ग एक्सपोजर में काफ़ी बढ़िया से क्रिएटिव फोटोज़ खींच सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, आप लाइव ऑफ भी कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये है, पोर्ट्रेट अगर आप ऑन कर देते हो ना, यहाँ पे मैं इस तरीके से लाइव पे जाता हूँ और पोर्ट्रेट ऑन कर देता हूँ। अब आप देखो, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पे टैप किया था, इसने मुझे बैकग्राउंड ब्लर दे दिया है। अब ये 15 प्रो मैक्स का एक नया फीचर आया था कि अगर आप टैप करके फोटो लेते हो तो लाइव मोड में आपको पोर्ट्रेट मोड की भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी वो यहाँ पे है, आपके प्रीसेट्स हैं बेसिकली, जो कलर कॉन्ट्रास्ट ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है जिस पर मैं रखता हूँ। इसके अलावा रिच कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन वाइब्रेंट का मिलता है, देन वॉर्म है एंड कूल है। तो ये एक तरीके से आप मान लो कि आप लट अप्लाई कर रहे हो अपनी फोटोज़ में, या फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, जो एक स्पेसिफिक लुक एंड फील आपकी फ़ोटो को देता है। मैं स्टैंडर्ड प्रेफर करता हूँ, बट अगर आपको कॉन्ट्रास्टी फोटो है, आप रिच में जाके भी वो सेलेक्ट कर सकते हो। आई वुड प्रेफर टू बी ऑन स्टैंडर्ड, एंड एडिटिंग में आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका शूटिंग स्टाइल। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, 4:3, नेक्स्ट है स्क्वायर, और उसके अलावा है 16:9। अब आप यही चीज़ मैं हर वीडियो में जो बोलता हूँ, 16:9 में फ़ोटो क्रॉप हो रही है, इवन 1:1 में अगर आप जाओगे तो भी फ़ोटो क्रॉप हो रही है। तो आपको हमेशा 4:3 पे रखना है, ताकि मैक्सिमम सेंसर रीड आउट मिले। अपने हिसाब से आप एडिटिंग में जो एस्पेक्ट रेशियो चाहिए वो आप क्रॉप करके ले लेना, बिकॉज आपके पास ओरिजिनल वर्जन भी रहेगा। अगर आप 16:9 या स्क्वायर लेते हो, उसमें आपको ओरिजिनल वर्जन नहीं मिलेगा। लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है, प्लस एंड माइनस वाली, एक्सपोजर कंपनसेशन होता है। इसका सिंपल सा मेथड ये है कि अगर आप 0 से -की तरफ लेफ्ट में लेके जाओगे, जितना माइनस में जाओगे आप देखो फोटो उतनी डार्क होती जाएगी। वही अगर मैं वापस 0 पे आता हूँ और प्लस पे लेके जाता हूँ, तो आप देखना फोटो जो है वो ब्राइट होती जाएगी। तो अगर आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि आपका आईफोन जो है वो करेक्ट एक्सपोजर या ब्राइटनेस नहीं कैप्चर कर रहा, ब्राइट और डार्क आप माइनस प्लस में जाके एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आपको ऊपर भी कुछ शॉर्टकट मिल जाते हैं, लाइव मोड का ऑन एंड ऑफ यहाँ पे ही ऑप्शन है। ये रॉ मैक्स का ऑप्शन है जो ऑन एंड ऑफ है, इसकी मैं आपको जब सेटिंग्स में लेके जाऊंगा वहां पे ये चीज समझाऊंगा। तो ये हो गया हमारा फोटो मोड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड,
पे। अब यहाँ पे जैसे पोर्ट्रेट मोड पे आप हो, यहाँ पे पहले तो आपको ये पोर्ट्रेट के स्टाइल्स मिलेंगे। आप देख रहे हो मैं अलग अलग सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेज लाइट का भी एक ऑप्शन है, देन आपको ये ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद स्टेज लाइट मोनो का ऑप्शन है। तो ये सारे प्रीसेट्स हैं बेसिकली पोर्ट्रेट मोड के लिए। नंबर ऑफ़ कैमरास की मैं बात करूँ, यहाँ 2x जो लिखा है आप इधर से सेलेक्ट करके 1x पे भी जा सकते हो, 2x में भी स्विच कर सकते हो, इवन 5x जो इसका ऑप्टिकल टेलीफोटो जो कैमरा है उसको आप यूज़ करके पोर्ट्रेट मोड में फोटोज़ बढ़िया ले सकते हो। ड्रॉप डाउन में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस मिलेंगे। फ्लैश है, देन F जो लिखा हुआ है, F इज़ बेसिकली ब्लर इफेक्ट, कितना ब्लर आपको कम या ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं 1x पे चले जाता हूँ। अब देखो F बाई डिफ़ॉल्ट F2.8 पे है, जितना आप F नंबर कम करोगे उतना ब्लर इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। F नंबर आप देखो जैसे बढ़ाते जाओगे, मैं F16 पे ले जाता हूँ तो ब्लर इफेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो कितना कम या ज़्यादा ब्लर इफेक्ट चाहिए वो आप F वैल्यू से एडजस्ट कर सकते हो। F2.8 इज़ बाई डिफ़ॉल्ट, तो आप उस पर रख सकते हो। इसके अलावा जो आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिलता है वो है एस्पेक्ट रेशियो, वही बेसिक चीज़ है, एक्सपोजर कंपनसेशन और टाइम। फिर उसके बाद अब हम वीडियो मोड पे चलते हैं। अब वीडियो मोड में भी वही नंबर ऑफ़ कैमराज आपको मिलते हैं, अभी 1x पे है, यहाँ से मैं अल्ट्रा वाइड पे जा सकता हूँ 0.5x, फिर 2x का ऑप्शन है जो प्राइमरी कैमरा को क्रॉप करेगा, और 5x है जो आपको ऑप्टिकल जो 5x कैमरा है वो यूज़ करेगा। अगर हम पिंच एंड जूम करते हैं तो मैक्सिमम 15x तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो वापस 1x पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ तो आपको फ्लैश का ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोजर कंपनसेशन यहाँ भी मिलेगा, आप माइनस एंड प्लस करके एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। उसके अलावा एक प्रो ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिखेगा 15 प्रो मैक्स में, ये है प्रो रेस। अब यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, आप देख रहे हो जैसी मैंने प्रो रेस ऑन किया है, अब प्रो रेस में आप कलर्स देखोगे एकदम फीके से हो गए हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज प्रो रेस में आपको बहुत ऑप्शन मिलता है कि आप शूट करने के बाद एडिटिंग में अपना कॉन्ट्रास्ट, अपने कलर, शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन, वाइब्रेंस सब कुछ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। तो प्रोरेस में आप तभी शूट करना अगर आपको लग रहा है कि आप वैसा कुछ शूट करने वाले हो कि आप एडिटिंग में वो सारा उतना टाइम एंड एफर्ट दे सकते हो। अगर आप कैजुअल शूटर हो तो इसको ऑफ कर देना, वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गए ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शंस। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर आपको अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ, HD पे है अभी, बट अगर मैं HD को टैप करता हूँ ये 4K में चले जाएगा। अब 4K को वापस टैप करता हूँ तो HD, तो मैक्सिमम 4K 60fps पे आप शूट कर सकते हो। बाकी 24 का भी ऑप्शन है, 25 का भी ऑप्शन है, एंड 30 का भी ऑप्शन है। तो आपको 4K में काफ़ी FPS के ऑप्शंस मिलते हैं, डिपेंडिंग आपका यूज़ क्या है आप उस पर शूट कर सकते हो। अगर आपको स्लोमो करना है 4K 60 इज़ बेटर। बाकी अगर मैं 1080p में जाता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैक्सिमम 60fps ही मिलेगा। स्लोमो शूट करना है तो उसके लिए अलग से हम स्लोमो पे चलते हैं। अब स्लोमो मोड में आपको 3 कैमराज मिलेंगे, अल्ट्रा वाइड एंगल है, 1x है और 5x है, यहाँ पे 2x का ऑप्शन हटा दिया है। तो स्लो मोशन आप तीनों कैमराज में यूज़ कर सकते हो। HD में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैक्सिमम अभी 240fps है तो HD में होगा। तो यहाँ पे स्लोमो मोड में आपको 240fps पे या 120fps या मैक्सिमम 240fps आपको HD में मिलेगा। 720 में भी मैक्सिमम वही है, बाकी सेटिंग्स में जाके आप ये एडजस्ट कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट है टाइम लैप्स। अब टाइम लैप्स में आप अगर ड्रॉप डाउन पे भी जाते हो आपको एक्सपोजर कंपनसेशन का ऑप्शन मिलेगा जो आप प्लस माइनस कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलती, आप शूटिंग स्टार्ट कर दो एक और टाइम लैप्स बनाने लग जाएगा। चारों कैमराज हैं, अल्ट्रा वाइड, 1x, 2x एंड 5x। अब लास्ट मोड जो यहाँ पे मिलता है वो है पैनोरोमा। अब पैनोरोमा में आपको एरो दिखेगा जो राइट साइड जा रहा है, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आपको चारों कैमराज मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड, 1x, 2x, 5x। 1x से अगर आप स्टार्ट करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार एक क्लिक किया तो इस तरीके से आप जितना इसको ऊपर लेके जाओगे पैन करके इस तरीके से स्टॉप कर दोगे तो जितना आपने एरिया कवर किया होगा उतना आपको जो गैलरी है में है वो इस तरीके से फ़ोटो बना के दे देगा। तो पैनोरोमा में भी आपको चारों कैमराज मिलते हैं और कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। अब क्योंकि ये आईफोन है, ऑब्वियस सही क्वेश्चन है कि इसमें प्रो मोड वगैरह है या नहीं है, इसमें आपको कुछ प्रो मोड नहीं मिलता ना फोटो में ना वीडियो में, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करनी पड़ती हैं, तो वो एक अलग चैप्टर है। बट यहाँ पे मैं आपको एक काम करता हूँ, फ्रंट कैमरा का भी पहले जो फोटो एंड वीडियो है वो दिखा देता हूँ बिकॉज वो हमने मिस कर दिया था। तो फोटो मोड में अगर मैं इस तरीके से फ्रंट में अभी स्विच किया मैंने, ठीक है, तो फ्रंट का आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस दिखेगा फोटो मोड में। अगर मैं ये एरोस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये
नैरो हो जाएगा और यहाँ से मैं वाइड एंगल में स्विच कर सकता हूँ, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा वाइड एंगल में ये इस तरीके से इतना आर्म स्ट्रेच लेंथ पे कवर कर रहा है फोटो में, और ये इसका 1x नॉर्मल वर्जन है। अब यहाँ पे F का आइकन भी है, F अगर आप ऑन कर दोगे तो इस तरीके से आप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो। अलग से पोर्ट्रेट मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फोटो मोड में ही आप F क्लिक करके पोर्ट्रेट मोड में सेल्फीज ले सकते हो। तो बाकी अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, ड्रॉप डाउन में वही बेसिक फीचर्स हैं, एक्सपोजर कंपनसेशन, एस्पेक्ट रेशियो, लाइव मोड, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी रॉ 12 ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हो, ये भी मैं आपको सेटिंग में जब ले जाऊंगा तब बताऊंगा। वीडियो में अब हम चलते हैं। वीडियो में फ्रंट कैमरा में आपको एक ही एंगल ऑफ व्यू मिलता है, अल्ट्रा वाइड नैरो का कुछ ऑप्शन नहीं है सच, यही एक ऑप्शन है। टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, 4K 60fps तक आप फ्रंट में शूट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली जब आप इतना पैसा दे रहे हो तो उतना आपको वो चीज़ मिलेगी। ड्रॉप डाउन में अगर मैं जाता हूँ तो ड्रॉप डाउन में आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, एक्सपोजर कंपनसेशन जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मुझे -0.7 का रिजल्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू 0 वाला, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। और एक प्रो मोड है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप प्रोरेस ऑन कर सकते हो। अब प्रोरेस ऑन आप तभी कर सकते हो अगर स्टोरेज उतनी हो, इसमें अभी इतना स्टोरेज फ्री नहीं है तो वो ऑन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक हमारे सारे फ्रंट कैमरा के फीचर्स। अब मेन चीज़ में मैं आपको लेके चलता हूँ सेटिंग्स में, जो कैमरा ऐप है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऑन एंड ऑफ करनी है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे, कैमरा ऐप का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन काफ़ी हैं तो मैं एक एक करके कवर करता हूँ, टू मेक श्योर आपको ईजिली समझ आ जाए। सबसे पहले 15 प्रो मैक्स में आपको रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना, बाई डिफ़ॉल्ट आप जब भी वीडियो मोड में जाओगे आपको वही ऑप्शन मिलेगा। तो आप ये मत अज्यूम करना हमेशा हाईएस्ट रेजोल्यूशन होगा, आपको यहाँ पे डिफॉल्ट रेजोल्यूशन और FPS सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज आप 4K 30fps पे ज़्यादा शूट करते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, 4K 60 अगर आप करते हो तो वो आप यहाँ से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट नीचे जाओगे तो अब आपको शो पैल फॉर्मेट मिलेगा। पैल फॉर्मेट क्या होता है, आप ऊपर अभी देखो FPS आपको इतने सारे दिख रहे हैं, मैं जैसे ही पैल फॉर्मेट ऑफ करूँगा 25fps चले जाएगा, 25 and 50। तो पैल फॉर्मेट का बेसिकली मतलब होता है जो हमारे एशियन या इंडियन कंट्रीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो अगर आप ऐसी जगह शूट कर रहे हो जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है और आपको फ्लिकर दिख रहा है, तो आप इसको ऑन करके 25fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके नीचे है एनहांस स्टेबलाइजेशन। अब जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, सिनेमैटिक मोड में वीडियो कर रहे हो, तो इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट ऑन कर लेना बिकॉज आपका स्टेबलाइजेशन बेटर हो जाएगा। एक्शन मोड लोअर लाइट, तो एक्शन मोड का ऑप्शन है अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो ऑन कर सकते हो। HDR वीडियो, अब HDR वीडियो जो है वो आपको 10 बिट में देगा, ज़्यादा डायनामिक रेंज देगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप इसमें रिकॉर्ड करके डायरेक्टली वीडियो कहीं पे अपलोड करते हो या किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाते हो, इसके कलर्स एंड एक्सपोजर इधर उधर चले जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इसको ऑफ रखना, अगर आप सिर्फ आईफोन में ही एडिट कर रहे हो देन आप इसको ऑन रख सकते हो। ऑटो FPS मैंने ऑफ रखा हुआ है बिकॉज होता क्या, अगर लाइट ऊपर नीचे होती है तो ये ऑटोमेटिकली 60 से 30 या 24 पे स्विच कर सकता है, जो शायद देखने में उतना प्रोफेशनल ना लगे, तो उसको आप ऑफ रख सकते हो। लॉक वाइट बैलेंस मैंने ऑन किया हुआ है बिकॉज जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो तो स्टार्टिंग में जो वाइट बैलेंस हो गई उसी को लॉक करेगा, इधर उधर चेंज नहीं करेगा, जिस वजह से वीडियो बेटर लगती है। ये हो गया। नेक्स्ट है रिकॉर्ड स्लोमो। अब स्लोमो में यहाँ पे आपको 1080p 120fps मिलता है, 720p 240 मिलता है। आप 1080p में 240 भी कर सकते हो बट वो हाइफ में होगा, हाइफ हल्का कम स्पेस लेता है, बट एडिटिंग आपको आईफोन में आप करोगे तो ज़्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोमो। अब रिकॉर्ड सिनेमैटिक का भी अलग ऑप्शन है, अगर आप सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हो वो कितने FPS और रेजोल्यूशन में चाहिए, तो मैंने 4K 30 रखा हुआ है बट आप 4K 24 या 25 भी रख सकते हो। फिर उसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला है हाई एफिशिएंसी और मोस्ट कंपैटिबल। अब देखो मोस्ट कंपैटिबल होता है, नाम ही बता रहा है कि ये एच हाइफ में शूट नहीं करता, जेपैग में करता है, स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा बट आप मोस्टली किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हो ईजिली। अगर आप हाई एफिशिएंसी चूज़ करोगे तो ये हाई फॉर्मेट में शूट करेगा और वो फोटोज़ हर एक सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट नहीं होती हैं, उसके ट्रू कलर्स और एक्सपोजर आपको नहीं दिखेंगे, तो मोस्ट कंपैटिबल इज़ अ गुड ऑप्शन। फोटो मोड में अगर आप जाओगे 12 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल दो ऑप्शन दिखेंगी, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर 24MP बिकॉज जब ये ऑप्शन मिल रहा है तो आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन में ही फोटो लो। प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो वो स्क्रीन में आपको जो मैंने ऑप्शन दिखाया था वो मिल जाता है, प्लस वहाँ पे आपको डिफॉल्ट क्या रखना है, जेपेग मैक्स जो 48 मेगापिक्सल पे होगा,
प्रो रॉ 12 मेगापिक्सल या प्रो रॉ मैक्स जो 48 मेगापिक्सल पे होगा। तो मैंने प्रो रॉ मैक्स रखा है 48 मेगापिक्सल, तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा मेरी जो फोटो है वो रॉ फॉर्मेट में क्लिक होगी 48 मेगापिक्सल में, तो वो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी नीचे अगर हम आते हैं वीडियो कैप्चर में, एक स्पेशल वीडियो फॉर एप्पल विजन प्रो ये अपडेट के बाद आया है। अगर आपके पास विजन प्रो है तो आप वो रिकॉर्ड कर सकते हो, मेरे पास नहीं है तो इसको कोई यूज़ का नहीं है। एप्पल प्रो रेस, एप्पल प्रो रेस को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। प्रो रेस वीडियो के लिए है, तो यहाँ पे प्रो रेस एनकोडिंग जो है आपको ऑप्शन मिलता है HDR, SDR और लॉक का। तो हम मैंने लॉक पे रखा है इसलिए वो जो कलर्स बहुत फीके से आ रहे थे वो ये रीज़न है, ये प्रो रेस लॉक में शूट करेगा तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा बट एडिटिंग में आपको बहुत स्कोप मिल जाता है उसको बेटर करने के लिए। तो ये हो गया फॉर्मेट्स। नेक्स्ट है प्रिजर्व सेटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट वैसे के वैसे मिल सकते हैं। जैसे कैमरा मोड आपने ऑन कर दिया, तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा शूट करते हो तो ऐप बंद करके नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे ऐप तो आपको पोर्ट्रेट मोड में ही वो ऐप ओपन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू फोटो मोड जो नॉर्मली होता था। फिर आप और चीज़ें भी कर सकते हो, डेप्थ कंट्रोल, मैक्रो कंट्रोल, नाइट मोड, पोर्ट्रेट, जूम, एक्शन, ये सब जो आप सेटिंग रखते हो वो हमेशा वैसी ही रहेंगी, बार बार रीसेट नहीं होंगी। फिर है रिकॉर्ड स्टीरियो साउंड। अब स्टीरियो का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर, उसको आप ऑन कर सकते हो। यूज़ वॉल्यूम अप फॉर बर्स्ट, इसको मैंने ऑफ रखा है बट अगर आप ऑन करोगे तो वॉल्यूम अप वाला बटन अगर आप दबा के रखोगे तो बैक टू बैक फोटोज खींचता रहेगा। फिर उसके बाद QR कोड है, शो डिटेक्टेड टेक्स्ट, ये बेसिक ऑप्शंस है। कॉम्पोजिशन पे हम आते हैं, तो ये आपको ग्रिड ऑन करना है, लेवल ऑन करना है, मिरर फ्रंट कैमरा ऑन करना है। ग्रिड और लेवल क्या है, वो जो ग्रिड आपको टू वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, लेवल मतलब फ़ोन जब सीधा होगा तो वो बीच वाली लाइन सीधी हो जाएगी, तो ये आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। मिरर फ्रंट कैमरा बिकॉज फ्रंट कैमरा कई बार अगर आपको लग रहा है आप सेल्फी ले रहे हो टेक्स्ट उल्टा आ रहा है तो इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। व्यू आउटसाइड द फ्रेम जो ऑप्शन है इसको आप ऑफ कर देना, बिकॉज अगर ये ऑन होता है तो आपको फ्रेम के बाहर भी फ्रेम दिखेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो फ्रेम के बाहर भी आपको एरिया दिखेगा, बट वही अगर मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ इसको ऑफ कर देता हूँ। अब हम कैमरा ऐप पे चलते हैं, अब आप देखो बाहर पूरा ब्लैक बार्स होंगी, तो ये आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है और डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करता। इसके बाद आते हैं फोटोग्राफिक स्टाइल्स पे। फोटोग्राफिक स्टाइल में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, स्टैंडर्ड, रिच कॉन्ट्रास्ट, वाइब्रेंट, वार्म, ये सारे ऑप्शन है। मैं स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मेन कैमरा पे अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको एडिशनल लेंसेज मिलते हैं 28 एंड 35, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। डिफ़ॉल्ट आपको 1x पे क्या चाहिए, 1x, 1.2x या 1.5x, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, तो आपकी यूज़ पे डिपेंड करेगा। पोर्ट्रेट्स इन फोटो मोड, अब ये नया फीचर है 15 प्रो मैक्स में, इसको आप ऑन रखना। जब आप नॉर्मल मोड में फ़ोटो ले रहे हो, टैप करते हो और फिर फोटो लेते हो, तो वो उसमें पोर्ट्रेट मोड का भी इन्फॉर्मेशन रहेगा जिसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। बाकी प्रायोरिटाइज फास्ट शूटिंग ऑफ कर देना, बिकॉज उससे क्या है इमेज क्वालिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। लेंस करेक्शन ऑन है, मैक्रो कंट्रोल ऑन है। तो ये थे कुछ आईफोन 15 प्रो मैक्स के कैमरा सेटिंग्स, विच आई एम श्योर आपको हेल्प करेंगे अगर आपने फ़ोन लिया है, लेने का प्लान कर रहे हो, कि आपको समझ आ जाए कि क्या सारी ऑप्शंस और सेटिंग्स आपको रखनी है फॉर बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़। बाकी और किस फोन का हम इस तरीके की कैमरा सेटिंग वीडियो बनाएं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप।